जय सियाराम। जय सियाराम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के महिमा क्या कहने। हनुमान जी की शरण में जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी संकट आता भी नहीं है। संकट अगर आया भी है तो हनुमान जी उस संकट से छुड़ा ले जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके जीवन से संकट चला गया और आपका जीवन मंगलमय और सुखमय हो जाएगा। हनुमान जी के एक साधक से हमारी मुलाकात हुई है और नवरात्रि में चूँकि हनुमान जी का एक उत्सव चल रहा था, वहीं पे मुलाकात हुई है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुनील पुरुथी जी। सुनील जी, सुनील जी, आपसे जो मेरी बातें हो रही थी, आपकी बातों से लगा कि आप हनुमान जी की साधना में लगातार लगे रहते हैं और हनुमान जी पे पूरा भरोसा है। भरोसा बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैं यानी कहाँ था और मुझे हनुमान जी ही लेके आए हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैं डिप्रेशन में जा रहा था, लेकिन हनुमान जी की साधना करने से सब कुछ, वो टाइम पता ही नहीं चला कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। अभी यानी कि वो टाइम मुझे याद ही नहीं आता है कि क्या परिस्थिति थी, क्या टाइम था, कैसे क्या था और कहाँ मैं पहुँच गया। सब जीवन में जो समस्या थी, संकट था, हनुमान जी की पूजा आपने शुरू की और धीरे धीरे वो सब कुछ खत्म हो गया। पता ही नहीं चला कैसे कहाँ कहाँ से क्या होता गया। ऐसा टाइम था कि कुछ यानी कि क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसी टाइम आ गया था, ऐसी पोजीशन आ गई थी कि कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था। कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ प्रकाश भी नजर आएगा कहीं से, लेकिन हनुमान जी ने तो सब कुछ ही बदल बहुत ज़्यादा बदल दिया। इतना ज़्यादा बदल दिया, मैं क्या कहूँ, बस प्रभु हनुमान और प्रभु श्री राम। सुनील जी, आपसे बातें हो रही थी, अभी आपके कार्यों को देख करके लगा कि आप तो सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोगों से भी आपका संबंध है। और अभी आप कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि जहाँ स्थिति बहुत ही प्रतिकूल थी, कोई पूछने वाला नहीं था। कोई पूछने वाला नहीं था, बिल्कुल। लेकिन हनुमान जी की साधना कर करके, हनुमान जी को कह कह के उन्होंने बिल्कुल कहा। ये निश्चिंत कब की बात है सुनील जी? ये है 2019 की, 2020 की बात है, कोरोना के बाद की बात है। अच्छा। तो उस टाइम क्या हुआ, फैक्ट्री थी मेरी, तो कोरोना के अंदर सब कुछ चला गया, कुछ नहीं रहा, काफ़ी लॉस हो गया फैक्ट्री में। तो मैंने मार्केट से पैसे वैसे ले रखे थे, वो देने थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। लेकिन मैंने हनुमान जी पे भरोसा रखा, सब कुछ किया, मैं कहा जो करेंगे हनुमान जी ने करना है। तो ये हनुमान जी, देखिए वैसे भी कहा गया है कि जब तक हनुमान जी कृपा ना हो, लोग तो हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ते, हनुमान जी के प्रति ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल। तो ये हनुमान जी के प्रति आप प्रेरित कैसे हुए, कैसे प्रेरित हुए? एक्चुअली मैं पहले हनुमान चालीसा तो पढ़ता था, शुरू से पढ़ते, मंदिर वंदिर जाता था। अच्छा। तो हमारे एक मित्र हैं जीन से, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ हनुमान जी की तरफ लग जाओ। तो मैंने भी उनकी बात मानी, मैं कहा चलो ठीक है जी। तो मैं फिर हनुमान जी की तरफ लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने उनसे बात की कि मैं दिन में साधना करने लगता हूँ, मेडिटेशन करने लगता हूँ तो मेरा हो नहीं पाता है। तो उन्होंने कि मुझे कहा भी सुबह 3 बजे उठो। अच्छा। हाँ जी, नहा धो के और मैं अब 3:10 पे 3:05 पे उठ जाता हूँ और रेडी होकर 3:30 तक मैं रेडी हो जाता हूँ, और 3:30 से लेके और 4:30 तक मैं हनुमान जी की साधना करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। और फिर उसके बाद मैं मंदिर जाता हूँ, फिर मंदिर से मैं 5 बजे आके रामायण पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद सुंदरकांड पढ़ता हूँ। मतलब ये लगभग 2019 से आप सुबह जग रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, 2020 से। हाँ जी। और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का अपना अलग महत्व है। हाँ जी। हनुमान जी की पूजा का तब से आपका नियम बना हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, सुबह नियम है 3 बजे जगना। हाँ, चाहे मैं जहाँ मर्जी हूँ, मैंने सुबह 3 बजे जगना ही जगना है। जैसे मर्जी, जो मुझे कहते हैं कि कहीं से मैं आया, लेट हो गया रात को, मेरी वाइफ कहती है कि आज रहने दो, लेकिन नहीं। आप नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता मैं, क्योंकि आप समझ गए हैं हनुमान जी कृपा को। कृपा को कई बार क्या होता है कि कोई कुछ काम है, मैं हनुमान जी को बार बार कहता हूँ ये काम करवा दो, ये काम करवा दो, तो देखता हूँ कि कई बार थोड़ा महसूस होने लगता है कि नहीं कर नहीं रहे हनुमान जी कृपा, कर नहीं रहे। लेकिन वो हनुमान जी भी एक बार परीक्षा ले रहे होते हैं कि कहीं मेरा भक्त डगमगा तो नहीं रहा, भाई थोड़ा इसको करो, लेकिन हो जाता है।
फिर मैं जब काम होता है तो मैं कहता हूँ हनुमान जी कि मेरी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं ये भगत डगमगा तो नहीं रहा है, लेकिन मैंने तो बस एक बार ठान ली है कि जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति की जाए हनुमान जी की उतनी कम है। ये कलयुग का समय है और इस समय तो प्रभु श्री राम ने भी कहा है, प्रभु सीता माता सीता ने भी कहा है सॉरी, कि जितनी कलयुग के अंदर हनुमान जी की भक्ति होगी वो कम है, जितनी कर सकते हो करो उतना कीजिए। रामायण के अंदर यानी कि साफ लिखा हुआ है, जब हनुमान जी सीता जी को लंका में गए थे अशोक वाटिका में देखने के लिए, तो सीता जी ने कहा था हनुमान जी को कि तुम जो आए हो मेरे पास इतनी कठिन प्रयास करके समुद्र पार करके, तो मैं आपको यानी कि सीता माता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि कलयुग के अंदर सबसे ज़्यादा भक्ति हनुमान जी की होगी और जितने जल्दी संकट कटेंगे हनुमान जी की भक्ति से कटेंगे, जितनी हम साधना करेंगे, सिर्फ एक हनुमान जी ऐसे हैं जो बहुत जल्दी मान जाते हैं, संकट कटने के लिए तैयार रहते हैं बिल्कुल। मैंने तो देखा है, मेरे साथ तो हुआ है और मैं तो सबको प्रेरित करता रहता हूँ, कहीं कोई मुझे मिलता है मैं देखता हूँ हाँ कि इसके अंदर है गुण तो उसको प्रेरित करता हूँ। अब मैं एक बार दो बार तीन बार चार बार प्रेरित करता हूँ भाई कहीं से भक्ति जगाते हैं भक्ति, हाँ कि देखो हनुमान जी सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर हम अपना सही टाइम से सही सब कुछ करके करें तो। हनुमान जी तो कहते हैं मैं तो तैयार हूँ, और कलयुग के अंदर हनुमान जी ही नहीं करना है, किसी का भी कुछ भी करना है हनुमान जी ही करेंगे। अच्छा सुनील जी, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होगी कि 2019 में आपके सामने बहुत प्रतिकूल समय था, बहुत प्रतिकूल, फैक्ट्री चलती थी फैक्ट्री बंद हो गई, कोरोना काल आ गया, बहुत समस्या आप कह रहे हैं कि खराब हो गई थी स्थिति मतलब। उसके बाद जब से आपने भक्ति करनी शुरू की 2020 से, सुबह जगने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के पुकारने लगे, चालीसा पढ़ने लगे, सुंदरकांड के पाठ करने लगे। हाँ जी हाँ जी, डेली सुंदरकांड पढ़ता हूँ, पढ़ने लगे डेली रामायण पढ़ता हूँ। कितने दिनों में, थोड़ा हम इसलिए आपसे ही पूछ रहे हैं, वैसे तो देखिए ईश्वर की भक्ति को समय में नहीं हम आकलन करते हैं, मेरा भी यही कहना होता है कि ये तो ईश्वर का कार्य है, फल कब देंगे, लेकिन भक्तों में विश्वास मजबूत हो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कितने दिनों में फिर हनुमान जी ने कृपा करनी शुरू कर दी थी। बस साथ ही शुरू हो गया था। हाँ हाँ जी हाँ जी, यानी कुछ थोड़ा ठीक होना, आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गया था। अच्छा हाँ। आप बता रहे थे कि मानसिक रूप से जो परेशानी रहती है सबसे पहले वो दूर होनी शुरू हो गई। हाँ जी, पता ही नहीं चला, यानी कि जो वो टाइम था भाई, मैं कुछ सोचता था भाई पता नहीं क्या होगा क्या ना होगा, कई बार मन में ख्याल आता है यार क्या करना है जी के, क्या करना है, फिर बच्चों की तरफ देखो तो दिखता है यार इनका क्या कसूर है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर बस वो हम जो मैंने बताया मेरा मित्र था उसने मुझे जैसे ही कहा तो मैं सुबह उठने लग गया ब्रह्म मुहूर्त में और करने लग गया हनुमान जी की भक्ति, पता ही नहीं चला, आहिस्ता सब ठीक होता गया और अपने आप ही सब कुछ होती गई। नहीं तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे किस तरह क्या होगा, लेकिन अपने आप ही लिंक बनते गए, अपने आप ही सब कुछ होता रहा, अपने आप ही काम मिलता रहा। अब मैं जिस दिन भी हनुमान जी से कहता हूँ भाई काम नहीं है, तुरंत कहीं ना कहीं से काम आ जाता है। मैं कहता हूँ हनुमान जी ये काम नहीं हो रहा, तुरंत वो अपने आप करवा देते हैं। तो मैं तो 200% श्योर हूँ कि कलयुग के अंदर तो सिर्फ एक हनुमान जी ही हैं जिनकी भक्ति करने से सब कुछ संकट मिटे सो वीरा, जो हनुमत बलवीरा। तो हनुमान जी हैं जिन्होंने संकट कटने हैं, और वो ये नहीं देखते कि कब से मेरा भक्त क्या कर रहा है, सच्ची भक्ति करो हनुमान जी की सब कुछ मिटा देते हैं, सब कुछ, कुछ भी नहीं रहे। आप एक और शब्द कह रहे थे कि भले ही कितने भी अंधियारा हो काली रात हो, हाँ जी, लेकिन हनुमान जी की शरण में आप आ गए हैं तो यकीन मानिए एक सुनहरा सुबह आपका इंतजार कर रहा है। पता ही नहीं चलेगा कब आया है सुनहरा सुबह, वो टाइम ही हम भूल जाएंगे, हमें वो टाइम ऐसे रहेगा, अब वो टाइम मुझे याद ही नहीं है समय कि कैसा संकट था, कैसा था और कब क्या था, यानी कि मेरे को पता ही नहीं है कब कैसा क्या था, सब कुछ पता ही नहीं चला कब कैसे अपने आप ही अपना होते रहे। लेकिन जो मैं अब काम कर रहा हूँ कि मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं ये काम करूँगा, थी नहीं कुछ पता ही नहीं था, लेकिन सब हनुमान जी ने कृपा की। बताना चाहेंगे क्या कर रहे हैं अभी? वैसे सुनील जी ना, लेकिन अब मैं बताऊँ आपको कि यूँ कह सकते हैं कि
आप हरियाणा से आते हैं, हाँ जी, जिन से आते हैं, सत्ता के शीर्ष पे जो बैठे हुए लोग हैं, हाँ जी, अब उनको एक तरह से मैनेज करना, उनके लिए काम बनाना, ये आपका काम हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यानी आप हनुमान जी की शरण में क्या गए, दूसरों काम बना रहे हैं, काम बना रहे हैं। हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि हनुमान जी एक ऐसे देवता लगा लो, भगवान लगा लो, गोड लगा लो, जो मर्जी लगा लो, हनुमान जी अपना जो मांग लिया देना ही देना है, देना ही देना। और नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में माता की जब आराधना होती है कि उसमें श्लोक आता है कि हे माते, जो आपकी शरण में जाता है वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है, जिस पे हनुमान जी कृपा हो जाती है, हाँ जी, वो दूसरों का काम बनाने लगता है हनुमान जी कृपा से। अब वैसे मेरे को कोई भी मिलता है, कहीं भी मिलता है, मैं कहीं भी सफ़र करता हूँ, कोई मुझे मिलता है, तो मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं इसके अंदर हनुमान जी की भक्ति जगाऊँ, कैसे ना कैसे करके। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं साथ वालों से बात करूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मैं कोशिश करता हूँ, वो चाहे मुझे इंटरेस्ट दिखाए ना दिखाए, जब तक वो मेरे साथ है मैं उसको थोड़ी थोड़ी देर में कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, हनुमान जी को समझो। हाँ, तो कोशिश तो करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी का प्रचार किया जाए। कई होते हैं कहते हैं हाँ जी ठीक है जी, कोई चुप रह जाते हैं, लेकिन मैं सबको यही कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अगर काम नहीं बन रहे, चाहे कोई सरकारी इंप्लॉयज़ हो, चाहे कोई बिजनेस वाला हो, चाहे कोई फैक्ट्री वाला हो, चाहे कोई दुकानदार हो, मेरी सबको यही रहती है कि सुबह उठो, अपना कार्य हम कर रहे हैं, किसी के मन में आता है, कोई कहता भी है कि मैं दो दिन उठा था, तीन दिन उठा था, नींद नहीं खुलती, सुबह तीन बजे उठना, फिर ये है सारा दिन रहना, अब मैं भी तो हूँ, उठता हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता है, मैं यानी कि उठता हूँ, फिर उसके बाद 7 बजे 8 बजे अपने काम पे चला जाता हूँ, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती है। जी जी जी, बिल्कुल, पता ही नहीं चलता है। आप समर्पित भाव से जब हनुमान जी की सेवा में लग जाएंगे तो समय का भान नहीं रहेगा, और यकीन मानिए हनुमान जी की जब कृपा होनी शुरू हो जाएगी ना, तो ये जो नींद त्यागेंगे आप 3 बजे का, उसका जो प्रतिफल आपको प्राप्त होगा उसकी तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है, तुलना कर ही नहीं सकते हम, कोई तुलना नहीं कर सकता कि नहीं कर सकते। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनील जी मिलकर के, और खास करके सुनील जी जो कार्य कर रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये तो एक माध्यम है, जिस माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ भक्तों से, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस हाल में हैं, आप ऐसे निराश हताश लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें बताइए कि हनुमान जी सब कर सकते हैं, हनुमान जी सब करते हैं, और ये बहुत बड़ी भक्ति है हनुमान जी की, इसलिए बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आप सुनील जी, कि लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग सुने ना सुने, आप बताते रहते हैं। हाँ, मैं जरूर बताता हूँ, जानो हनुमान जी कौन है, 3 बार 4 बार 5 बार मैं कभी तो जागेगा, मैं नहीं जगा पाऊंगा, कोई और जगा पाएगा, कुछ ना कुछ इसके माइंड में तो जाएगी, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, पता नहीं कब किसका कहाँ से क्या हो जाए। जी जी सुनील जी, चलिए सुनील जी, आगे भी आपसे मुलाकात होगी तो हम विस्तार से हनुमान जी पे और भी बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम।